अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है जरीन खान, मेरे चैनल जेड की यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम डेजर्ट बनाएंगे, मीठे में बहुत यम्मी डिश जो कि सभी की फेवरेट होती है, वो है रसमलाई। आज हम घर में रसमलाई बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ईजी तरीके से। आप एक बार रसमलाई बनाना सीख लोगे इस रेसिपी से, आप अंगूरी रसमलाई या फिर रसगुल्ले वगैरह घर में बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। आइए, यहाँ पर मैंने दूध ली हूँ। दूध मैंने यहाँ पर जो बफेलो मिल्क होता है वो ली हूँ। इसे मैंने बॉईल करके, ठंडा करके इसके ऊपर की जो मलाई होती वो निकाल दी थी। अगर आप काओ का मिल्क ले रहे हो, गाय का जो दूध होता है वो ले रहे हो, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। यहाँ पर हमारे यहाँ पर बफेलो मिल्क आता है, इसलिए आज मैं इसी से बना रही हूँ। और इसलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, इसकी वजह से मैंने इसके ऊपर जो मलाई होती है वो निकाल ली हूँ, तो इसका जो फैट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और अगर आप गाय के दूध से या फिर काओ मिल्क से बना रहे हो, तो आप डायरेक्ट वैसा ही दूध कच्चा जो होता है वो ले सकते हो। 1 लीटर बफेलो मिल्क ली हूँ, इसे हम बॉईल करके इसका छेना बनाएंगे। और 1 लीटर की हम रबड़ी बनाएंगे, जो रस मलाई की जो रस होता है वो बनाएंगे। आइए पहले इस दूध को हम बॉईल करने के लिए फिर से रखते हैं। यहाँ पर मैंने बॉईल के लिए दूध रखी हूँ, यहाँ पर गैस पे चढ़ा दी हूँ। अभी दूध हमारा जब बॉईल होगा तब हम इसे छेना बनाएंगे। अभी हम दूध को सरीका इस तरीके से हिलाते जाएंगे ताकि दूध जो हमारा वो नीचे लग ना पाए। यहाँ पर दूध को जब तक बॉईल आ रहा है तब तक हम इसे फाड़ने के लिए, इसका पनीर बनाने के लिए, छेना बनाने के लिए यहाँ पर हम एक पानी का जो घोल होता है वो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल ली हूँ, इसमें हम विनेगर लेंगे 3 टेबल स्पून के आसपास। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून विनेगर ली हूँ। अभी हमें 3 टेबल स्पून इसमें पानी डालना है। यहाँ पर मैंने पानी और विनेगर को अच्छे से घोल कर रेडी कर ली हूँ, देख सकते हो। अभी दूध जो हमारा वो भी अच्छे से बॉयल आ रहा है, उसमें भी देखिए दूध को उबल आ चुका है। अभी गैस की फ्लेम जो है वो मैं बंद कर रही हूँ। अभी हम इसे 1 मिनट तक इस तरीके से हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अभी भी आप देख सकते हो इसमें से स्टीम वगैरह निकल रही है। अभी हम इसे फाड़ेंगे। इससे फाड़ने के लिए हमें यहाँ पर जो हमने लिक्विड बनाए थे इसे इस तरीके से हम हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालते जाएंगे और इसे बिल्कुल स्लो इस तरीके से हम हिलाएंगे। ज़्यादा नहीं हिलाना हमें, सिर्फ हल्के हाथ से हिलाना है। आप चाहे तो मैंने यहाँ पर विनेगर का यूज़ की थी, आप चाहे तो यहाँ पे नींबू के रस का भी यूज कर सकते हो। थोड़ा और डालेंगे हम। आप देख सकते हो जो दूध है हमारा वो फट रहा है और हल्का हल्का पनीर बनना शुरू हो चुका है, छेना बनना। अभी हम इसे इसी तरीके से हल्का हल्का हिलाते जाएंगे और जितना लिक्विड हमने बनाए हैं वो पूरा इसमें डाल देंगे। दूध कभी कभी ये लिक्विड थोड़ा ज़्यादा भी लगता है और थोड़ा कम भी लगता है, लेकिन जब तक पूरा दूध और छेना अलग नहीं हो जाता है, जब तक पूरा पानी और छेना अलग नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे फाड़ेंगे। देख सकते हो आप छेना अच्छे से फट रहा है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। ये जो पानी का कलर है आप देख सकते हो, ये देखिए अभी बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, देख सकते हो ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन पानी बन चुका है। और इसका मतलब हमारा जो छेना है बिल्कुल अच्छे से फट चुका है, रेडी हो चुका है। देख सकते हो दूध जो छेना है वो और पानी बिल्कुल अलग हो चुका है और यहाँ पर मेरा इतना पानी बच चुका है 2 टेबल स्पून के आसपास। अभी हम यहाँ पर इसमें से ये जो पानी है ये बहुत न्यूट्रिशन वाला होता है, आप इसे बिल्कुल भी फेंक नहीं सकते। आप इसमें आटा वगैरह भी गूंथ सकते हो या फिर आप जो कढ़ी वगैरह बनाते हैं आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इसे छानती हूँ, एक कपड़े के ऊपर हम इसे छानेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉल रखी, उसके ऊपर चलनी रखी हूँ और फिर इस तरीके का एक रुमाल या फिर मलमल का कपड़ा आप कुछ भी रख सकते हो। और जो अभी हमारा ये छेना वाला पानी है इसे हम छानेंगे इस तरीके से, इसमें इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर अभी हम पानी जो है छेना का वो निकाल कर इसे और छानेंगे इस तरीके से। मैं इसमें और ठंडा पानी डालूंगी और इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे। अभी हम ये जो छेना हमने बनाया इसे हमें अच्छे से वॉश करना है इस तरीके से। इसे हम हल्का हल्का मसलते हुए पानी में से निकाल लेंगे। देख सकते हो हमारा छेना कितना सॉफ्ट है,
पानी से धोने से ये होता है कि जो हमने इसमें विनेगर डाले या फिर आप लेमन का जूस वगैरह जो भी डालोगे वो अच्छे से इसमें से निकल जाता है, इसके अंदर उसका फ्लेवर नहीं रह पाता है। इसलिए अभी हम इसे अच्छे से इस तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे, इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे रुमाल को और इसे हिलाते हुए पूरा पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने छेना का अच्छे से पूरा पानी निकाल दिया, आप देख सकते हो छेना में इतना सा भी पानी नहीं। देखिए अभी हम इसे एक बड़ी प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने छेना इस तरीके से निकाल दिया, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट छेना बना हमारा और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं, देख सकते हो आप, और ना ही आपको कहीं पर ऑयल दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो हथेली है इससे हमें इसे अच्छे से मसाज करना है, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। और इसे अभी ये जितना दानेदार दिख रहा है आपको ये दिख रहा होगा दानेदार, हमें इसे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होने तक मसाज करना है। ये अभी एक नहीं हो पा रहा है, हमें इसे बिल्कुल बाइंड होना चाहिए तब तक हमें इसे मसाज करना है इस तरीके से। इसमें हमें 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है और ये बहुत हमें अच्छे से करना है। अगर हम यहाँ पर अच्छे से मसाज नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी रसमलाई है वो अच्छे से बन नहीं पाएंगी, इसलिए हमें इसे अच्छे से मसलना है। ये देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके और मैंने इसे अच्छे से मसाज कर चुकी हूँ। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से हमारा जो छेना है बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो रहा है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए इस तरीके से हमारा छेना बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो रहा है। आप चाहे तो इस तरीके से जितनी रसमलाई हमें चाहिए उस तरीके से हम इतना आटा हाथ पर लेंगे छेना और इसे इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में राउंड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हमें दोनों हाथों के बीच में छेना को राउंड करना है और हल्के ऐसे प्रेस करना है। देख सकते हो आप बिल्कुल अच्छे से हमारी जो रसमलाई ये बिल्कुल अच्छे से बन रही है। ये देखिए इसी तरीके से हम सभी रसमलाई को बना लेते हैं और हमें इसे ज़्यादा मैश नहीं करना है। जितना हम अगर हम इसे ज़्यादा करेंगे तो इसका जो घी होगा या फिर इसमें जो फैट है वो अलग होने लगता है, फिर हमारे जो रसमलाई वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। इसलिए हमें इसे 7 से 8 मिनट तक ही मसाज करनी है। अभी हम रसमलाई बनाने के लिए जो पाक चाहिए वो रेडी करते हैं, तब तक हम यहाँ पर रसमलाई बनाएंगे। आइए मैं यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी हूँ, इसमें हम पाक बनाएंगे। हमें बड़ा बर्तन चाहिए जो कि खुला वाला होता है, खुले मुँह का होता है उस तरीके से, वरना जो रसमलाई हमारी वो फूलने को उसे जगह नहीं मिलेंगी तो वो है आपस में टूट सकती है या फिर फूल नहीं पाएंगी। इसलिए यहाँ पर हमें रसमलाई को फूलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम जितना चौड़ा या और बड़ा बर्तन आप ले सकते हो लीजिए। यहाँ पर हम पाक बनाने के लिए मैं 2 ग्लास पानी का यूज़ करूँगी इस तरीके से, इस तरीके से। अभी हम इसमें इस तरीके से ये देखिए 1.5 बॉल शक्कर डालेंगे, ये 1 एंड ये 1/2। हमें ये पाक ज़्यादा मीठा वगैरह नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे इतना करना है कि ये सिर्फ एक मीठा पानी जैसा बनता है वैसा बन जाए। हमें इसे कोई तार की चाशनी वगैरह के जैसा रेडी नहीं करना है। अभी हम जो शक्कर है इसमें अच्छे से घुलने देंगे, इसे हिलाते हुए इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर इलायची पाउडर, इलायची डाल सकते हो या फिर केसर वगैरह, हम यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो शक्कर है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो कितना पतला पतला पानी ये मीठा। ये सिर्फ हम इसे अगर पीकर देखेंगे तो हमें इस ये सिर्फ मीठा मीठा लगेगा, इसमें हमें कोई चिकनाहट या फिर कोई चाशनी टाइप नहीं लगेगा। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी कुछ चाशनी वाशनी के जैसा नहीं लग रहा है, ये देख सकते हो आप। ये देखिए बिल्कुल भी चाशनी के जैसा नहीं, नॉर्मल पानी होता है वैसा है, सिर्फ मीठा लग रहा है हमें। हमें इतना ही इसे रखना है। अभी हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे, तब तक हमारी जो रसमलाई वो रेडी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पाक है अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर जो हमने रसमलाई बनाए थे वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए 1 लीटर छेना से, 1 लीटर दूध के छेना से आप घर पर 12 से 13 रसमलाई बनाकर रेडी कर सकते हो। और जब भी रसमलाई बनाने का नाम आता है हम घर में बहुत डर जाते हैं, लेकिन आप इस तरीके की ट्रिक से मैं जैसे बता रही हूँ आप बनाओगे तो इंशाल्लाह रसमलाई आपकी बिल्कुल परफेक्ट और सही बनेगी। यहाँ पर देख सकते हो आप कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। अभी हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करेंगे इसी तरीके से, और जो रसमलाई हमारी वो इसमें ऐड करेंगे। एक साथ जितनी रसमलाई आपके पैन में आएंगी बर्तन में उतनी ही आपको डालना है, ज़्यादा या फिर पूरी डालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये जब फूलती है तो ये डबल साइज में हो जाती है और उसे फूलने के लिए भी हमें जगह देनी होती है। इसलिए अगर आपकी एक साथ पूरी नहीं आ रही है तो आप इसे 1/2 करके ही बनाइए। अभी हम यहाँ पर
इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी रसमलाई की साइज़ है, ये देखिए, ये देख सकते हो, ये दो उंगलियों पे मैं रख रही हूँ और जब बनेगी मैं आपको इसकी साइज़ बताऊँगी। अभी हम इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। और गैस की जो फ्लेम इसे बिल्कुल हाई पर कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने मेरी पूरी रसमलाई आ चुकी है इसलिए मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ। अभी हम इसे इसी तरीके से एक बॉईल आने देंगे। ये देख सकते हो आप कितने अच्छे से बॉईल आ रहा है ऊपर, और ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अभी हम रसमलाई को बिल्कुल भी टर्न नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें ये जो झाग है इसे कंटिन्यू बनाए रखना है रसमलाई के ऊपर। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल स्पून मैदा और 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल रेडी की हुई, देख सकते हो आप, ये देखिए। अभी हम ये जो घोल है इसमें इस तरीके से डालेंगे, इससे जो चीनी है इसमें झाग बनेगा और जो हमारी रसमलाई है, एक मिनट, यहाँ पर अभी ये देख सकते हो मैदा डालने के बाद कितना अच्छा झाग आ रहा है। हमें इसे ऐसे ही आने देना है और हर एक मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम बिल्कुल, अभी मैंने मीडियम टू हाई पर ही रखी हूँ, और यहाँ पर हमें एक मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा एक एक टेबल स्पून के आसपास पानी इसमें पाक में डालते जाना है। सादा नॉर्मल पानी हम इसमें डालते जाएंगे और अभी हम इसे ढक देंगे। इस तरीके से ढक के हम इसे पकाना है, हमें इसे 12 से 15 मिनट तक पकने देना है। अभी हमने इसे ढक दिए, आप देख सकते हो कितने अच्छे से झाग आ रहा है ऊपर, और जो हमारी रसमलाई ऊपर से भी पूरी अच्छे से कवर हो चुकी है। अभी हम इसे एक मिनट के बाद खोलेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि जो चाशनी हमारी वो ज़्यादा थिक यानी घट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें उसे गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, उसे गाढ़ा होने से रोकने के लिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में उस पर पानी, नॉर्मल जो पानी होता है वो हम इसमें मिलाते जाएंगे। यहाँ पर एक मिनट हो चुका है, अभी हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और इस तरीके से हाथ पे पानी लेकर मैं इस तरीके से सब तरफ थोड़ा थोड़ा डालूंगी। आप देख सकते हो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हुआ है और आप देख सकते हो रसमलाई की जो साइज है हमारी कितने अच्छे से फूल रही है और रसमलाई जो अपने आप इधर से उधर घूम रही है। और अब हम इसे फिर से ढक कर इसे ऐसे ही पकने देंगे। रसमलाई जब तक बन रही है तब तक हम हमारी रबड़ी रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन रखी और इसमें मैं मिल्क डाल रही हूँ। यहाँ पर भी मैं बफेलो मिल्क ले रही हूँ और वो भी फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। इसमें से मैंने कोई मलाई वगैरह नहीं निकाली हूँ, इसे हम इसी तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने दूध ली हूँ 1 लीटर। अभी हम इसे एक बॉईल आने देंगे। यहाँ पर मैंने दूध गर्म के लिए रखी हूँ, दूध को गर्म होने देना है। अभी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, शक्कर हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, हल्का हल्का मीठा, रबड़ी अच्छी लगती, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के आसपास शक्कर ली हूँ, देख सकते हो आप। हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, अगर आप मीठा खाते हो तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो। और यहाँ पर मैं 1 लीटर दूध की रबड़ी बना रही हूँ, आप चाहे तो 1/2 लीटर की भी बना सकते हो, क्योंकि अगर जो रबड़ी आपके यहाँ पर नहीं ज़्यादा पीते तो इसलिए आप 1/2 लीटर दूध से भी रबड़ी बना सकते हो। मैं यहाँ पर 1 लीटर दूध की बना रही हूँ। अभी यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है, उसमें मैं यहाँ पर मेरे पास केसर है, ये देख सकते हो आप, ये मैं इसमें डालूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं, इसे हम अच्छे से हिलाते हुए मिक्स करेंगे। केसर हमने इसलिए अभी डाल दिए क्योंकि जो केसर है दूध के साथ जब गर्म होता है तो वो अपना कलर रिलीज करता है इसलिए। और अगर आपको चाहिए, आप अगर केसर नहीं डाल रहे तो आप यहाँ पे हल्का सा येलो लेमन जो कलर होता है वो डाल सकते हो। बाहर वाले जो होते हैं वो इस तरीके से केसर वगैरह नहीं डालते हैं दूध में, और जो रसमलाई हम बाहर की इतने शौक से खाते हैं लेकिन उतने ही पैसों में हम घर में उससे ज़्यादा और उससे भी टेस्टी रसमलाई रेडी कर सकते हैं। रसमलाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी और बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी बनकर रेडी होती है और रसमलाई हर किसी की फेवरेट ही होती है। ऐसा कोई नहीं होता है जिसको रसमलाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये देखिए केसर का जो कलर है वो कितने अच्छे से निकल रहा है और केसर और दूध हमारा अच्छे से पक रहा है, हमें इसे अच्छे से पकने देना है। यहाँ पर मेरे पास मावा है, ये देख सकते हो, 3 टेबल स्पून के आसपास मेरे पास खोया या मावा, आप इसे कुछ भी कह सकते हो, ये है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो और दूध जो है इसे और थोड़ा सा ज़्यादा देर पकने दे सकते हो। मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से हाथ से मैश करके
इसमें डाल रही हूँ। इससे जो हमारी रबड़ी है बहुत फ्लेवरफुल और टेस्टी बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर जो होता है वो भी डाल सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप यहाँ पर दूध को थोड़ा सा और देर पकने दीजिए, दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कीजिए, फिर भी हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, सिंपल और सादे तरीके से रसमलाई बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रबड़ी जो है इसमें एक टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर पानी में या दूध में घोलकर इसमें मिला सकते हैं। आपकी जो रबड़ी वो थीक और टेस्टी बन जाएगी। यहाँ पर अभी हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे 3 से 4 इलायची को फोड़कर या कूटकर भी डाल सकते हो। अभी हम इसे अच्छे से पकने देंगे। रबड़ी जो हमारी अच्छे से पक रही है, अभी हम हमारी रसमलाई की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छा झाग आ रहा है और हमारी जो रसमलाई है कितनी अच्छे से फूल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ गैस की फ्लेम को लो करके। ये देखिए कितनी बड़ी और माशाल्लाह से कितनी अच्छी रसमलाई बन रही है। यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी देर में एक एक टेबल स्पून पानी इसके ऊपर डालती जा रही थी इस तरीके से हाथ में लेकर। ये देखिए आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कितने बड़ी और कितनी माशाल्लाह हमारी रसमलाई बन रही है। अभी मैं फिर अभी हमें इसे पकाते हुए 7 मिनट के आसपास टाइम हुआ है। अभी हम इसे और 5 से 5-1 मिनट के आसपास यहाँ पर अभी हमारे गैस को बंद करते हैं हम गैस की फ्लेम जो है वो। और आप देख सकते हो रसमलाई कितनी अच्छी माशाल्लाह से फूल चुकी है। अभी हम इसे ठंडे पानी में निकालेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉल ली हूँ और इसमें मैंने थोड़े से आइस क्यूब और ठंडा पानी मिलाई हूँ। आप देख सकते हो, आप चाहे तो सिर्फ ठंडा वाटर भी ले सकते हो। और यहाँ पर जो हमने रसमलाई बनाए थे जो उसका पाक बचा हुआ है वो पाक हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून भर के डालेंगे। इस तरीके के जो चम्मच होते हैं हमारे वो डालेंगे। ये देखिए पाक अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, ये देख सकते हो। ये देखिए इसलिए मैं इसमें पाक कम डाल रही हूँ। अगर आपका पाक कम है तो आप उतना ही डालिए। और अभी हम इसमें रसमलाई भी डालते जाएंगे साथ ही। ये देखिए हमारी जो रसमलाई है अभी हम जो चाशनी उसमें से निकालकर पाक में ये जो पानी वाला पाक इसमें हम डालेंगे। सभी रसमलाई को इसी तरीके से इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सादा पानी और थोड़ा सा पाक डाल के यहाँ पर मैंने जो रसमलाई थी हमारी पूरी इसमें ट्रांसफर कर दी हूँ। अभी हम इसे 1 से 2 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो रसमलाई है वो हमारी अच्छे से फूल जाए। अभी जो चाशनी में से हमने निकाले अभी वो थोड़ी फिर से सॉफ्ट यानी थोड़ी सी चपटी हो जाती है इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी हम इसमें डालेंगे तो ये थोड़ी सी और अच्छे से रस चूसेंगी, फिर हम इसे रसमलाई के जो रबड़ी हमने बनाए उसमें डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी रसमलाई को टाइम हो चुका है 1 से 1.5 घंटा। ये देखिए मैं आपको इस तरीके से ये देखिए कितना रस जो उससे चूसी थी वो निकाल कर बता रही हूँ, देख सकते हो। ये देखिए देख सकते हो, मैं आपको एकदम नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल जो शेप था फिर से वही ले ली, ये देख सकते हो आप। ये देखिए ये रसमलाई है, इसमें से हम पानी इस तरीके से निकालेंगे, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। ये देखिए फिर से अपने जो शेप है वो मेंटेन कर रही हो, यानी हमारी जो रसमलाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हम इसका जो पानी पूरा निकाल लेंगे, इसे जो हमने रबड़ी रेडी की है उसमें डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इस तरीके से ये जो एक्सेस पानी है इस तरीके से ये देख सकते हो, इस तरीके से हम सभी पानी को निकाल लेंगे। आप देख सकते हो रसमलाई हमारी फिर से फूल जा रही है, ये देख सकते हो। ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितने अच्छे से फूल रही है, देख सकते हो आप। अभी हम इसी तरीके से जितना भी इसका पानी है सब निकाल लेते, देख सकते हो आप। रसमलाई को हमने पानी में से निकाल दिए है। अभी हम यहाँ पर जो हमारी रबड़ी है इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस जो होता है वो डालेंगे, 5 से 6 ड्रॉप। ये देखिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो रबड़ी है रसमलाई की वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रसमलाई का जो रस है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो ज़्यादा पतला या लिक्विडी नहीं बनाया हमने। ये देखिए ये देख सकते हो, क्योंकि जो रसमलाई है वो अगर हम ये रबड़ी को थिक बनाएंगे यानी गाढ़ी गाढ़ी बनाएंगे तो जो रसमलाई हमारी वो अच्छे से इसे चूस नहीं पाएंगी, ये रस अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए यहाँ पर अभी हम ये जो हमारी पानी निकाली हुई रसमलाई के जो ये बॉल है ये हम इसमें डालेंगे इस तरीके से।
और इसे इसके अंदर मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकने देंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं गैस की फ्लेम बंद करती हूँ और ये जो रसमलाई है अब हम इसे ठंडा होने देंगे अच्छे से। इसे हम ठंडा होने के लिए आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे निकाल कर एक बॉल में फ्रीज में रख दीजिए। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ पिस्ता है, ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर डालेंगे। अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब ठंडी हो जाएगी मैं आपको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो रसमलाई ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और कितनी प्यारी लग रही है। आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बनाइए, मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप कितनी सॉफ्ट बनी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हो आप कितनी सॉफ्ट है, ये देख सकते हो, मैं आपको अंदर से तोड़कर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी रसमलाई जो अंदर तक पूरी रस जा चुका है, आप देख सकते हो दोनों भी पीस। ये देखिए अंदर तक पूरी रस जो चूस चुका है, मैं आपको हाथ से भी बताती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये देख सकते हो, ये देखिए कितना रस चूसी उसने। ये देखिए, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो फिर से फूल जाती है। परफेक्ट जो रसमलाई होती है उसकी यही पहचान होती है, देख सकते हो आप। ये देखिए आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट रसमलाई हमारी बनकर रेडी हुई है, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। और इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, ये बहुत इजीली बन जाती है, आप इसे कभी भी कहीं पर भी बना सकते हो। और ये बहुत ही अच्छे से बनती है, जिस तरीके से आप मार्केट से लाते हो या फिर जितने पैसे खर्चा करके आप मार्केट से लाते हो उससे कम पैसों में हम घर में बहुत अच्छे से रसमलाई रेडी करते हैं। 2 लीटर दूध हमें यहाँ पर यूज़ हुआ था, 1 लीटर हमने रबड़ी के लिए यूज़ किए थे और 1 लीटर का हमने छेना बनाए थे। यहाँ पर टोटल हमारा 2 लीटर दूध यूज़ हुआ था और इसमें हमारे पास 13 रसमलाई यानी 13 रसमलाई बनकर रेडी हुई है। और ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है। आप एक बार अगर घर की रसमलाई बनाओगे तो आप बाहर की रसमलाई लाना हमेशा के लिए अवॉइड करोगे, हमेशा आप घर में ही बनाकर खाना पसंद करोगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो दिल से गुजारिश कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली इसी तरीके की न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। चलती हूँ, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलूंगी बहुत जल्द, अल्लाह हाफिज़।